मेरे प्यारे साथियों, ये आज पहली बार ऐसा मौका मुझे मिल रहा है आप लोगों के सामने आप लोगों को एड्रेस करने का वीडियो के थ्रू। मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगा, पहले तो ग्रुप के बारे में, फिर कंपनी के बारे में, फिर कैसे हम लोगों ने ये प्लांट उड़ीसा वाला बिठाया, क्या क्या डिफ़िकल्टीज हम लोगों को आई और आगे इसका क्या फ्यूचर है, थोड़ा मैं आप लोगों को सारा विस्तार में बताना चाहूँगा। सबसे पहले जिंदल ग्रुप 1955-56 के आसपास हमारे पिताजी 5 भाई थे और एग्रीकल्चरिस्ट थे, किसान थे। हरियाणा में छोटा सा गांव था नलवा, वहां से ये बिलोंग करते थे और पांचों भाई बड़े मेहनती थे और ज़्यादा इन लोगों ने कोई स्कूल और कॉलेज में जाके पढ़ाई की नहीं थी। दो दो तीन तीन चार स्कूल होते था उन दिनों 1940-45 में, 35-40 में, तो दो दो तीन तीन चार क्लास पढ़े हुए थे, लेकिन मेहनती थे। और जब जैसे बड़े हुए, 18-19-20 साल के हुए, शादी के बाद इन लोगों को लगा कि भाई ये खेती से सिर्फ काम नहीं चलेगा, तो इन लोगों ने मेहनत करके पांचों भाई कलकत्ता चले गए, कलकत्ता बंगाल चले गए। वहाँ पे इन्होंने छोटा छोटा ट्रेडिंग का काम स्टार्ट किया, थोड़ा स्क्रैप से स्टार्ट का काम स्टार्ट किया। उसके बाद इन्होंने बैंड एंड सॉकेट की फैक्ट्री लगाई। बैंड एंड सॉकेट ये जो पाइप होता है, पाइप को जब आप मोड़ना चाहते हो तो वो पाइप को मोड़ने की बजाय उसमें बैंड और सॉकेट लगा देते हो जिससे कि पाइप को आप मोड़ सकते हो। तो इन्होंने छोटा सा प्लांट लगाया, अपनी खुद की टेक्नीशियन टेक्निक से उन्होंने प्लांट लगाया और ये प्लांट उन्होंने एक दो साल चलाया। उसके बाद क्योंकि ये हरियाणा से बिलोंग करते थे तो दो भाई हरियाणा वापस आ गए और तीन भाई जो है कलकत्ता रहे। सो हरियाणा आके इन्होंने हिसार, जो कि जो हमारा गांव है नलवा, उससे सिर्फ 25 किलोमीटर है, वहाँ पे एक छोटी सी बाल्टी बनाने की, स्टील बाल्टी जिसको बाद में गैल्वेनाइज कर देते थे, बाल्टी बनाने का छोटा सा प्लांट लगाया। और 1960 में पहला इन लोगों ने ट्यूब फैक्ट्री लगाई। पहले ट्यूब सिर्फ पूरे देश में कलिंगा ट्यूब्स थी, मिस्टर बीजू पटनायक की, और एक टाटा स्टील ट्यूब थी। उसके बाद वाला जो ट्यूब प्लांट है वो हमारे जिंदल साहब ने अपने ब्रदर्स के साथ मिलकर लगाया और उसके बाद एक के बाद एक प्लांट बढ़ाते चले गए और हिंदुस्तान के, पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़े पाइप मैन्युफैक्चरर बन गए। सिर्फ ये सिर्फ डेडिकेशन और मेहनत की वजह से, ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, ज़्यादा इनके पास कोई पैसा नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन सिर्फ मेहनत की, ईमानदारी से काम किया और आगे बढ़ते चले गए। उसके बाद 1970 में जब बहुत पाइप बनाने लग गए, तब ऑल ऑफ सडन इनको लगा कि भाई हमें रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है पाइप के लिए। तो उस वजह से जिंदल साहब ने, ओपी जिंदल साहब ने जिंदल स्ट्रिप्स करके फैक्ट्री लगाई हिसार में ही, और जो कि पाइप का रॉ मटेरियल बना सके, ये स्ट्रिप्स बनाई, फ्लैट स्ट्रिप्स, जो कि आपका प्लांट उड़ीसा भी बनाता है, जो हिसार भी बनाता है। तो ये माइल्ड स्टील की, कार्बन स्टील की स्ट्रिप बनाने का प्लांट लगाया। 1970-71 में स्टार्ट हुआ और उस टाइम मार्केट कंडीशन बहुत ख़राब हो गई स्टील की, पाइप की भी, स्टील की भी, तो 6-7 साल बहुत स्ट्रगल किया उसके अंदर। तो 1977-78 में हमारे पिताजी ने और हमारे बड़े भाई साहब ने सोचा कि हमको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, नहीं तो ये इंडस्ट्री बचेगी नहीं। तो उन्होंने फिर स्टेनलेस स्टील बनाने की सोची। उस टाइम हिंदुस्तान में स्टेनलेस स्टील नहीं बनता था, सारा स्टेनलेस स्टील विदेशों से आता था, जापान से आता था और बहुत महंगा होता था। ये 500 रुपये किलो, जो कि आज के दिन 100 रुपये किलो है, उस टाइम 500 रुपये किलो होता था। और ये मैं बात बता रहा हूँ आपको 1975-1977 की। तो उसके बाद जब इन्होंने स्टेनलेस स्टील बनाना शुरू किया तो उन्होंने काफ़ी परेशानियाँ हुई, काफ़ी डिफ़िकल्टीज आई, लेकिन मेहनत से बढ़ते चले गए। और सबसे पहले एक साल में 1978-79 में इन्होंने 10,000 टन स्टेनलेस स्टील बनाया। आज वहाँ से हम यहाँ तक पहुँच गए हैं कि आज हिसार प्लांट आपका 8,00,000 टन बना सकता है और बनाता है, और उड़ीसा आपका प्लांट, जो कि एक बहुत मॉडर्न प्लांट है, वो 1,000,000-10,00,000 टन स्टेनलेस स्टील बना सकता है। उड़ीसा प्लांट के बारे में आपको थोड़ा मैं बताऊंगा कि उड़ीसा आज के दिन वर्ल्ड में वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न प्लांट है। संसार में इससे ज़्यादा मॉडर्न अभी तक प्लांट नहीं लगा है। अब कुछ प्लांट नए नए लग रहे हैं, वो इसके बराबर के लग रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा मॉडर्न आज भी कोई प्लांट नहीं है। इसमें बेस्ट इक्विपमेंट है, बेस्ट लोकेशन है और बेस्ट सब हिसाब से हमने कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। तो ये प्लांट लगाने में हमने 2005 में स्टार्ट किया था। सबसे पहले फेरोलॉयज और पावर प्लांट लगाया
और जो कि हमने 2007-8 में स्टार्ट कर दिया था और एक दो साल बड़ा अच्छा भी चला, लेकिन स्टेनलेस स्टील प्लांट लगाने उसके बाद हमने स्टार्ट किया और उस टाइम में थोड़ी सी वर्ल्ड इकोनॉमी में प्रॉब्लम आई, ओवरऑल काफ़ी डिफिकल्टीज आई इंडिया में भी और वर्ल्ड इकोनॉमी में भी, तो जिसकी वजह से प्लांट 2 साल डिले भी हो गया। लेकिन जैसे भी करके बैंकों के सपोर्ट से और सबके सहयोग से हम लोग हिसार प्लांट ने, हिसार के प्लांट के टेक्नीशियंस ने काफ़ी आके यहाँ पे काफ़ी मेहनत भी की, जिसकी वजह से आपका प्लांट ये धीरे धीरे हम बढ़ाते हुए और हम लोगों ने कमीशन कर लिया 3 साल पहले। तो आज मैं आपको ये बताना चाहूँगा, दिस इज़ द मोस्ट मॉडर्न प्लांट, बहुत ज़्यादा मॉडर्न और बढ़िया प्लांट है। और ये प्लांट 1.8 मिलियन हिसार का 8 लाख और यहाँ का 10 लाख मिला के आप हिंदुस्तान का 55% स्टेनलेस स्टील आपके जिंदल स्टेनलेस कंपनी से निकलता है। और आपका जो प्लांट है उसके मुकाबले में हिंदुस्तान में तो कोई आसपास भी नहीं है, और हमसे अगला जो आदमी है, हम 18 लाख बनाते हैं तो अगला आदमी जो है 1 लाख टन से भी कमती बनाता है, तो इतना फर्क है हमारे और दूसरों के बीच में। तो आपकी पोजीशन बहुत सॉलिड है और बहुत आप लोग सिर्फ हिंदुस्तान में कम्पीट नहीं कर रहे, आप लोगों को कम्पिटिशन है पूरे वर्ल्ड का। और ये प्लांट भी उसी ढंग से बिठाया गया है कि आप इसका इस प्लांट से पूरे वर्ल्ड में कम्पीट कर सकें, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में आपकी क्वालिटी और आपका कंपटीशन रहेगा, उसी ढंग से हमें इस प्लांट को आगे चलाना है। थोड़ा सा मैं आपको वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में, आज क्या चल रहा है हमारे देश की पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। मुझे ये बता के दुख है इस बात का कि हमारे देश की इकोनॉमी बहुत ख़राब चल रही है, उसके बावजूद भी हम लोग किसी तरह से आगे बढ़ रहे हैं और आज भी 40-50% पे हमारे फेरोलॉयज और पावर प्लांट चला रहे हैं, जो कि अदरवाइज आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए काफ़ी अच्छी कमाई कर सकता था, लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट की रॉन्ग पॉलिसीज की वजह से हमें आज ये दिन देखना पड़ रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी हमें हिम्मत नहीं हारनी है, हमने अपना स्टेनलेस स्टील प्लांट लगाया, बढ़ाया है आगे। तो अब स्टेनलेस स्टील आपको ये मैं बता देता हूँ, आपकी क्वालिटी इज वेरी गुड, लेकिन क्वालिटी खराब होते हुए टाइम नहीं लगता है। अगर थोड़ा सा आप लोगों का फोकस या अटेंशन नहीं रहा किसी प्रोडक्शन में तो आप नुकसान भी कर सकते हो, आप चोट भी खा सकते हो और आप क्वालिटी भी खराब कर सकते हो। तो हमें बहुत अटेंटिव होके बहुत होशियारी से स्टेनलेस स्टील बनाना पड़ेगा। आपके इक्विपमेंट बहुत बढ़िया है, लेकिन ये इक्विपमेंट तभी तक बढ़िया है जब तक आप इसको बढ़िया रखोगे। अगर आप इसकी मेंटेनेंस ठीक करोगे, आप इसको अपना अच्छी तरह से संभालोगे, अच्छी तरह से करोगे, तो ये इक्विपमेंट आपके सालों साल चलते रहेंगे और आपको मेंटेनेंस के लिए और बाकी चीज़ों के लिए, क्वालिटी के लिए दिक्कत नहीं करेंगे। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि आपके पास एक बहुत बढ़िया प्लांट है, आपके पास बहुत बढ़िया इक्विपमेंट है, आपके पास आपके सीनियर लोग, हम जो भी सीनियर लोग लेके आ रहे हैं, बड़े अच्छे पढ़े लिखे और एक्सपीरियंस वाले लेके आ रहे हैं जो आपको अच्छी तरह से गाइड कर सकें और अच्छी तरह से हम इस प्लांट को चला सकें। और आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि आपका प्रोडक्ट क्वालिटी आज जर्मनी में जा रहा है, आपका प्रोडक्ट कोरिया में जा रहा है, आपका प्रोडक्ट अमेरिका में जा रहा है, इटालियन मार्केट में जा रहा है, सभी मार्केट में जा रहा है, और आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी की काफ़ी बढ़ाई होती है, डिमांड बढ़ रही है उसकी। लेकिन हमको धीरे धीरे आगे बढ़ना है ताकि हम क्वालिटी ख़राब नहीं करें, हम अच्छी से अच्छी क्वालिटी बनाएं, अच्छे से अच्छा सर्विस भी दें। तो मैं और ज़्यादा आपको नहीं बोलते हुए यही बताते हुए कि आज हम लोगों को मिलजुल के काम करना पड़ेगा, मिलजुल के आगे बढ़ना पड़ेगा। और अगर हम सोचें कि कोई बाहर का आदमी आके या गवर्नमेंट हमारी हेल्प कर देगा, कोई लीडर आके हेल्प कर देगा, तो वो सिर्फ अपना काम चलाने के लिए करेगा और आप लोगों के लिए और हमारे लिए कुछ नहीं करेगा। हम लोगों को आपस में मिलजुल कर और मिलजुल के ही काम करना पड़ेगा, मिलजुल के आगे काम को बढ़ाना पड़ेगा और हम एक बहुत अच्छी मजबूत स्थिति में बहुत जल्दी आ जाएंगे धीरे धीरे करके। और तो मैं अब ज़्यादा और नहीं बोलते हुए, हमारे जो नए CEO हैं मिस्टर उदय कुमार चतुर्वेदी, मैं चाहूँगा कि वो भी आप लोगों को एड्रेस करें। जय हिंद, धन्यवाद। देवियों सज्जनों, अभी आपने मिस्टर जिंदल से सुना कि हमारी कंपनी पिछले कुछ दशकों में कैसे तरक्की करके यहाँ तक पहुँची है। इस समय मैं ये महसूस करता हूँ कि मैं अपने बारे में आपसे कुछ शेयर करूँ। मैं इस्पात की वैल्यू चेन में 4 दशकों में विभिन्न देशों में काम करके वापस इंडिया लौटा हूँ, क्योंकि मुझे ये जिंदल स्टेनलेस का चैलेंज ऐसा लगा कि हम इसको आगे बढ़ाने में समर्थ हो सकते हैं।
मगर ये काम अकेले मुझसे नहीं होगा, सारे समस्त कंपनी को मेरे साथ आगे जाने के लिए सहयोग करना होगा। इस समय मैं आपको यह भी बता दूं कि संसार की जो इकोनॉमीज हैं उनमें काफ़ी वॉलेटिलिटी है और ये हमारा देश को भी असर कर रही है। मगर मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारे देश के पॉजिटिव्स क्या हैं। हमारे देश में इकोनॉमी आज भी बढ़ रही है, हालांकि वो कुछ लोअर रेट से है, मगर आने वाले समय में ये फिर उसी तरह से ग्रो करेगी। और इंडस्ट्री में अगर आप इस बात में देखें तो हमारा देश इस बात में भी ग्रो कर रहा है, जो चाहते हैं वो आज नहीं भी हो रहा है। और स्टेनलेस स्टील का कोई दूसरा वो नहीं है, उसी रास्ते में इस स्टेनलेस स्टील भी चल रही है। हमारे देश में जो हम लोगों को पॉजिटिव्स हैं स्टेनलेस स्टील के क्षेत्र में, वो है कि हमारा स्टेनलेस स्टील का कंजम्पशन काफ़ी कम है, जिसको हम ग्रो कम कराने के लिए हमारे पास समस्त एवेन्यूज हैं। हमारा कारखाने की जो ग्रोथ हुई है इस साल के बाद जाजपुर में, तो अभी हम अपनी जाजपुर की फैसिलिटीज़ को पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। हमने कुछ समय पहले अपने जाजपुर के प्रोडक्ट्स को विभिन्न देशों में भेजा है, जहाँ से हमको उत्तीर्ण फीडबैक मिला है कि हमारा प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है। कंपनी का हार्डवेयर और कंपनी का प्रोडक्ट ही नहीं कंपनी की रेपुटेशन बनाते, कंपनी के कर्मचारी लोग रेपुटेशन बनाने में बहुत बड़ा भाग होता है। और इसीलिए मैं इस संदर्भ में कुछ आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। हमने कंपनी में ट्रेनिंग प्रोग्राम कंपनी के एस्पिरेशन और ग्रोथ के मुकाबले ऑर्गेनाइज किया है, और हम चाहेंगे कि सभी कर्मचारी इसमें भाग लें और इसको अपना अनिवार्य तौर पर कार्य क्षेत्र में लागू करें। हम आपसे हर समय उम्मीद करते रहेंगे कि आप कंपनी को आगे ले जाने में हम लोगों का सहयोग करें। और आज के दिन में हम लोगों को सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सीखनी है वो है कितनी जल्दी हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। इन चंद शब्दों के साथ मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपना कार्य क्षेत्र में ये ट्रेनिंग को इस्तेमाल करेंगे और कंपनी के सुधार में भाग लेंगे। मैं आपको आपके परिवार को सुरक्षित रहने की कामना करते हुए धन्यवाद करता हूं।